गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आ चुकी है भाई डोमिनर 400। भाई मेरी पर्सनल अगर आप फेवरेट एक टूरिंग मशीन पूछोगे ना, टूरिंग बाइक पूछोगे कि टूरिंग के पर्पज़ से कोई बाइक लेनी है, तो भाई एक ही है, डोमिनर 400। यहाँ आप लोगों को ना एक इनफ पावर, मतलब पावर भी खैर बाकी की बहुत सारे इसके कॉम्पिटिशन आप लोगों को अच्छा और ऊपर पावर मिलता है, प्लस हर चीज़ मिल जाएगी भाई इसमें। टूरिंग एसेसरीज आप लोगों को कंपनी से ही इनबिल्ट इतना सारा कुछ सेटअप मिल जाता है, मतलब एक बाइक लेने के साथ ही ना आप लोगों को एक्स्ट्रा खर्चा कोई करना नहीं रहता है यहाँ पे। तो डोमिनर 400 ना प्रॉपर एक, मतलब एक फन टू राइड तो खैर है ही, उसके साथ साथ एक मतलब कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर प्लस टूरिंग रेडी बाइक आप लोगों को मिलने वाली है। इसको आप लो और निकल जाओ टूरिंग पे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बाइक के बारे में। ऐसी कुछ आप लोगों को की मिलने वाली है, दोनों ही की सेम रहने वाली है ये नए पैटर्न के साथ, और ऐसा अपना पूरा MID का स्टार्टअप इसका रहता है। ड्यूल आप लोगों को डिजिटल स्क्रीन रहने वाली है, एक आपकी टैंक पे है और एक अपना जो रेगुलर रहता है वहीं पर है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ मिलता है, बहुत सारा कुछ इसमें भी फीचर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। स्टार्ट करें अगर अपन बाइक के फ्रंट से, तो ये आ गया आपका पूरा एक विंडस्क्रीन क्लियर में, मतलब इसके भी एक कॉस्टिंग आप लोगों को बचने वाली है। नकल गार्ड्स आप लोगों को आ जाते हैं विथ, ये अपना एक्स्ट्रा एक पार्ट और है, इसको रिमूव कर सकते हो अगर आप लोगों को अभी रिमूव भी करना हो, पर लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है इनके साथ ना। तो ये है अभी अपने पास ना ग्रीन वाला कलर। इसके अलावा अपने पास एक मैट ब्लैक भी बाइक अवेलेबल है, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पर आप लोगों को सारे स्क्रूज़ जो मिलेंगे ये आप लोगों को एलंकी वाले ही रहने वाले हैं, देख सकते हो आप लोग, और ब्लैक में ही रहने वाला है। ये आपका नंबर प्लेट की प्लेसिंग आ गई, LED पूरा सेटअप रहने वाला है, हेडलैम्प भी प्लस इंडिकेटर भी और टेल लैम्प भी पूरा कंप्लीट आप लोगों को LED में ही रहने वाला है। सस्पेंशन सेटअप चेक करो, USD फॉक्स मिलते हैं एंड्योरेंस के, और इसका जो थिकनेस है ना वो चीज़ चेक करो कितना है, प्लस एक सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो भी काफ़ी अच्छा है टूरिंग कैटेगरी की बाइक के अकॉर्डिंग। ग्राउंड क्लियरेंस की भी अपन बात करते हैं, इंजन स्पेक्स भी अपन आगे चल के वीडियो में देखते हैं। टायर आप लोगों को रहने वाला है इसमें MRF का, पर वो लॉट टू लॉट डिपेंड करता है, डायमंड का अलॉय व्हील रहने वाला है। टायर की ग्रेडिंग की अगर अपन बात करें तो रहने वाला है 110/70R17, तो 17 इंच इसका आप लोगों को फ्रंट वाला टायर रहने वाला है, और टायर की थिकनेस वगैरह यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, काफ़ी एक इनफ और अच्छा आ रहा है। फ्रंट मडगार्ड आप लोगों को ड्यूल शेड में रहने वाला है, बॉडी कलर प्लस पीछे वाला पार्ट मैट ब्लैक। गार्ड्स मतलब कंपनी की तरफ से ही यार एक इसका मतलब फुल सॉलिड आप लोगों को नहीं है, लेग गार्ड मिल जाता है स्लाइडर टाइप, और आप लोग यहाँ से चेक करोगे ना तो बाइक अगर आपकी फॉल होती है तो यही चीज़ आप लोगों का टच होने वाला है, एग्जॉस्ट भी आप लोगों को ऐसे सेफ रहने वाला है। एक इसमें एक्सटेंडेड पार्ट ये आ जाता है जो आपको रेडिएटर आप लोगों का पूरा यूनिट है इसको प्रोटेक्ट करता है, प्लस एक चीज़ इसमें जो आप लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी ना, एक तो विंडो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी अपना कूलेंट का लेवल चेक करने के लिए, देख सकते हो ये बाइक हिल रही है तो वहाँ भी हिलेगा, प्लस एक ऐसी ही एक क्लियर विंडो आप लोगों को यहाँ भी मिल जाएगी ऑयल लेवल वगैरह चेंज चेक करने के लिए, सॉरी। तो ये चीज़ कम मैटर करती है जैसे आप लोग टूरिंग पे हो तो आप लोगों को ईजी रहेगा कि यहीं से आप लोग चेक कर सकते हो सारा कुछ। DTSI आप लोगों को उसमें इंजन मिलने वाला है, ट्रिपल स्पार्क, यहाँ पर एक स्टिकरिंग, ये है डोमिनर का एक 3D में टैंक पे आप लोगों को स्टिकर मिल जाएगा, D400 का एक लोगो आप लोगों को रियर फेयरिंग पे मिलता है, कुछ इस टाइप का आप लोगों को ना ग्रैब रेल प्लस एक टॉप बॉक्स लगाने के लिए टॉप रैक यहाँ मिल जाता है। ये चीज़ है अच्छी अच्छी, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ है इसमें कई सारी जो आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी लगने वाली है। कुल मिला के देखो ऐसा है, पिलियन के लिए बैक सपोर्ट एक छोटा सा, मतलब एक लंबी टूर पे ना लंबी राइड वगैरह पे तो पिलियन के लिए इतना सा सपोर्ट भी इनफ रहता है, काफ़ी अच्छा है। इस टाइप का आप लोगों को पीछे का पूरा ना टेल वाला लुक मिल जाता है, जिस कैटेगरी की बाइक है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा ही रहने वाला है। प्लस यहाँ से बिना आप लोग इस चीज़ को, ये स्क्रू है यहाँ से आप लोग इस वाले पार्ट को रिमूव कर सकते हो अगर छोटा लुक चाहिए, पर इसकी कोई नीड है नहीं क्योंकि ये काफ़ी लुक में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लस इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह है ना कंप्लीट पूरी बाइक की वो भी काफ़ी अच्छी है। ये आपके आ गए LED में ही इंडिकेटर, और स्प्लिट में टेल लैम्प मिल जाता है, ये भी LED में ही रहने वाला है। और भाई देखो टूरिंग वगैरह अगर आप लोग नहीं कर रहे ना, मतलब एक सीज़न होता है टूरिंग का भी, ये नहीं हमेशा ये टूर पर रहे बाइक, तो ये वाला पार्ट आप लोग रिमूव भी कर सकते हो तो इसके बाद भी काफ़ी लुक अच्छा लगने वाला है। रियर में देखें तो रियर में आप लोगों को मोनोशॉक मिलने वाला है सिल्वर कलर में, और इस टाइप का एक टायर हगर है जो मतलब चेन जो कवरिंग है चेन का एक ऊपर से शेडो वाला पार्ट है, उसके साथ ही इनबिल्ट एक ही यूनिट होने वाला है। ये वाला आ गया पूरा आप लोगों का रियर डिस्क का प्लेट, और काफ़ी इनफ साइज़ आप लोगों को मिलने वाला है, मतलब ब्रेकिंग ना इसमें काफ़ी अच्छी रहेगी। ड्यूल चैनल ABS है वही अपनी एंड्योरेंस का क्लैप कैलिपर, MRF का ही टायर है, और रियर टायर की ग्रेडिंग देखें अपन तो ये रहने वाली है 150/60R17, 17 इंच ही पीछे है और 17 ही आगे है, वही अपना हुआ जो डायमंड कट वाला अलॉय का लुक। एग्जॉस्ट भाई जो डोमिनर की चीज़ एक ना सबसे ज़्यादा लुक को इनहेंस करती है ना वो है इसका एग्जॉस्ट और एग्जॉस्ट नोट, वो भी अभी सुनते हैं अपन। एग्जॉस्ट पे आप लोगों को एक ये हीट शील्ड मिल जाएगी, यहाँ पे इसका स्क्रू है,
और ये होने वाली है मेटल में, जो एक अच्छी चीज़ आप लोगों को डोमिनर में मिलने वाली है ना, अगर आप लोगों की भी शॉर्ट हाइट है, मतलब जैसे भाई एडवेंचर कैटेगरी की ज़्यादातर बाइक्स की ना सीट हाइट थोड़ी सी आप लोगों को ऊपर ही मिलने वाली है, मतलब शॉर्ट हाइट वालों को उसको चलाने में दिक्कत होती है, तो इसी वजह से वो उस कैटेगरी पे जा नहीं पाते। यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर आप सारा वो एडवेंचर भी कर सकते हो, मतलब हार्डकोर एडवेंचर नहीं पर एक टूरिंग जो रहती है ना ऑफ रोड वगैरह वो सब आप लोग इससे कर सकते हो। और सीट हाइट भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, 800 mm की आप लोगों को यहाँ पर डोमिनर में सीट हाइट मिलने वाली है। डोमिनर का एक सबसे प्लस पॉइंट जो रहता है ना, जो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, वो है भाई इसका बाइक का वेट। तो बाइक का वेट इसका टोटल रहने वाला है D400 का 193 kg। तो डोमिनर आप लोग अगर हाईवे पे वगैरह ड्राइव कर रहे हो, मतलब हाई स्पीड में चल रहे हो ना, तो वेट ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एक अच्छी चीज़ जो आप लोगों को देखने में लगने वाली है ना, ये है विंडस्क्रीन में ये दो आप लोगों के विंडो, जो कि एयर वेंट्स का काम भी करेगा और प्लस हाई स्पीड स्टेबिलिटी, मतलब जो हैंडल का मूवमेंट रहता है ना, वो भी आप लोगों को उसमें कम रहने वाला है। कुछ इस टाइप लोगों की सीट है, सीट हाइट वही 800 mm, कुशनिंग हाँ सॉफ्ट है, पर और थोड़ा बहुत आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करवाना पड़े तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। उसमें स्प्लिट सीट मिलती है, एक ये डी का लोगो आप लोगों को यहाँ आ गया, कुछ इस टाइप का लुक इस साइड से है। सिंगल आर्म आप लोगों को गियर लीवर मिलने वाला है, प्लस इंजन कट ऑफ इसमें मिल जाएगा। और जो एक इसका जो स्टैंड का जो लुक है ना, मतलब पूरा जो मेक है वो काफ़ी अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। इस टाइप से पूरा इधर का लुक है, वही उस साइड जैसा लेग गार्ड आप लोगों को यहाँ भी पूरा यूनिट है। बात करें अगर अपन फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 13 लीटर का आप लोगों को उसमें फ्यूल टैंक मिलता है। थोड़ा सा ऊपर होता, मतलब 15 लीटर के आसपास भी होता ना तो और अच्छा रहता, पर इतना भी 13 लीटर बिल्कुल कम भी नहीं है। इस टाइप का एक ना टैंक आप लोगों का टैंक पैड एक कंपनी से ही मिल जाएगा, छोटा सा पार्ट है इस टाइप से। और वही डोमिनर का 3D में लोगो आ गया। एक विंडो आप लोगों को यहाँ मिलती है MID की, एक पूरा स्क्रीन यहाँ रहती है। एक अच्छी चीज़ मोबाइल माउंट, GPS माउंट आप लोगों को इनबिल्ट ही रहने वाला है, और उसके अलावा चार्जर आ गया आपका, ये भी पूरा आप लोगों को इनबिल्ट है। एक जो मुझे पर्सनली इसकी चीज़ एक पसंद है ना, वो है इसके साइड मिरर का लुक भाई, ये पूरा ना यहाँ पर एक ये पूरा अच्छा सा, और प्लस इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, एल्यूमिनियम में होने वाला है। स्विचेस की बात करें तो क्या कुछ रहता है, हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर ऑन और लीवर, हाँ लीवर अपना एडजस्टेबल लीवर नहीं है यहाँ पर, अपना जो रेगुलर लीवर्स आते हैं। और इसकी जो साइज़ है ना नकल गार्ड्स का, ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ठंड में अगर मतलब माइनस टेम्परेचर में आप लोग राइड कर रहे हो ना, तो ये चीज़ भाई तब पता लगती है कि इसका यूज़ कितना है। अभी ये नॉर्मल आप लोगों को नकल गार्ड ही लगेगा कि यही तो है, इसको उठा भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर माइनस टेम्परेचर में मज़ा आता है भाई इसका। ये है आपका MID का पूरा स्टार्टअप, दोनों ही विंडो का पूरा। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो आप इंजन किल ऑन, साइड स्टैंड आप लोगों का डाउन है, तो ये इस टाइप से इल्यूमिनेटेड आप लोगों को पूरे सारे स्विचेस मिलने वाले हैं। राइट साइड पर स्विचेस देखें तो आपका किल स्विच आ गया। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा हेडलैम्प से रिलेटेड एक ये आपका स्टार्टर आ गया, कुछ इस टाइप का आप लोगों को हॉर्न का साउंड रहने वाला है। और DRL टाइप आप लोगों को पार्किंग बल्ब जो है ना, वो ये लुक आने वाला है। मैं ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो ये है पूरा लुक। देख लेते हैं अपना MID में आप लोगों को क्या क्या रहता है। सारी मॉर्निंग लाइट्स आप लोगों को यहाँ आ गई, ये आपका एक रेव लिमिटर की लाइट आ गई, यहाँ चल रहा है अपना RPM मीटर, फ्यूल गेज और टोटल आप लोगों का स्पीड, जिस भी स्पीड पर आप लोग ट्रेवल कर रहे हो। नीचे आते हैं, यहाँ है भाई मेन कहानी, गियर इंडिकेटर आप लोगों को यहाँ मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, बहुत मतलब यूज़फुल है ये वाला ना। एक छोटा सा एक पार्ट रहता है गियर इंडिकेटर, पर यूज़फुल काफ़ी रहता है। क्लॉक आ गई और आपका ऑडोमीटर आ गया, यहाँ पर 2 स्विचेज भी मिल जाते हैं, तो इसको चेंज करेंगे। Trip 1 आ गया, ये थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड फील होगा Trip 2, और जो भी इन्फो है अब देख लेते हैं एक बार डोमिनर पे बैठने के बाद के कैसा अपना फुट टच है। एक तो हाँ मतलब फिंगर टच से थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा फुट टच एक्स्ट्रा मिलने वाला है, प्लस डैशबोर्ड का ओवरव्यू कुछ ऐसा है, मतलब आपके मोटोब्लॉग वाले व्यू पॉइंट से कुछ ऐसा है। ये वाली विंडो भी इजीली विजिबल है, प्लस आपका जो रेगुलर विंडो MID स्क्रीन है वो तो रेगुलर विजिबल है ही। अब सुन लेते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड के किस टाइप का लोगों को इसमें एग्जॉस्ट साउंड मिलने वाला है। बाइक अभी कोल्ड स्टार्ट पे है, थोड़ा सा एक बार नॉर्मल हो जाए। और LED का थ्रो देख सकते हो, पर टूरिंग अगर आप लोगों को हार्ड कोर टूरिंग वगैरह करनी है तो एक्स्ट्रा लाइट्स आप लोग यहाँ पर भी माउंट करवा सकते हो। तो ये लुक है हेडलैम्प ऑन होने के बाद, और टेललैम्प का भी देख लो। LED में ही टेललैम्प भी होने वाला है। ये है पूरा अपना साउंड, तो काफ़ी बेसी साउंड आप लोगों को इसमें मिलने वाला है, मतलब सुनने में आप लोगों का ये ना सिंगल सिलेंडर इंजन नहीं लगेगा। एक क्लियर वर्ड में बात बता रहा हूँ आपको, देखो हर कोई ये बात बताता नहीं है,
आप लोगों को जब इसकी साउंड सुनेंगे अपन या फिर चलती हुई आपको पास करेगी ना बाइक ये वाली डोमिनर 400, तो आप लोगों को लगेगा कोई ड्यूल सिलेंडर वाली बाइक ने आपको फ्लाई बाय दिया है। अब कर लेते हैं बाइक को थोड़ा सा रेव। बात कर लेते हैं अपन इंजन स्पेक्स की, तो 373.3 सीसी का आप लोगों को इस डोमिनर 400 में इंजन मिलने वाला है, जो कि प्रोड्यूस करता है 40 bhp का पावर और 35 nm का आप लोगों को इसमें टॉर्क रहने वाला है। तो एक पावर फिगर ना डोमिनर के काफ़ी इंप्रेसिव है, मतलब एक जो इसका प्राइसिंग है ना, जिस प्राइस पॉइंट में आप लोगों को डोमिनर 400 मिलती है, तो काफ़ी रिलायबल है एक तो, प्लस पार्ट ज़्यादा कोई सर्विस वगैरह भी ज़्यादा कोई कॉस्टली आप लोगों को जेब पे भारी नहीं पड़ेगी। कुल मिला के देखो सीधी सीधी बात एंड में आती है पैसों की, है ना। तो पूरा एक पैकेज है आप लोगों के लिए, ये टूरिंग एसेसरीज के साथ हर कुछ मिल रहा है इसमें, आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई खर्चा करना ही नहीं है मेरी नज़र में। तो आप लोग इसको मतलब रेडी टू टूर है ये बाइक, है ना। तो यहाँ से पूरा अपना हुआ एक वॉक अराउंड वीडियो इजी लैंग्वेज में। प्राइसिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, क्या प्राइस इसका एक शोरूम जयपुर पड़ने वाला है। अभी मैं हूँ JM बजाज पे, तो यहाँ की शोरूम डिटेल भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हो। इसका कलर ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो मैट ब्लैक वाला है। लुक इसका भी काफ़ी अच्छा है, पूरा कंप्लीट ओवरऑल एक मैट ब्लैक वाला लुक है। सस्पेंशन सेटअप जो है वही अपना सिल्वर वाला है, और इसका टेक्सचर भी, हाँ इस पर टेक्सचर मतलब एक ना आप लोगों को लाइंस वाला लुक मिलने वाला है देखने में। तो करते हैं भाई ये वाला वीडियो अपना एंड, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना। इसी टाइप के आप लोगों को वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर मिलने वाले ही हैं। एक अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, अभी बैक टू बैक एक ना कंपेरिजन वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है। अभी भी मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ डोमिनर और अपना ड्यूक 390 का एक कंपैरिजन वीडियो अभी शूट करने वाला हूँ, तो वो भी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। एंड करते हैं अपना ये वाला वीडियो, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।